विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में एक विशेष यज्ञ किया गया, जिसमें आहुतियां देकर खास प्रार्थना की गई। दरअसल यह यज्ञ देश में शांति और सौहार्द के लिए किया गया है। 108 महाशिव पुराण पूर्ति यज्ञ के माध्यम से शांति का आह्वान किया गया है। इस यज्ञ में महाकाल मंदिर के पंडित और श्रद्धालु शामिल हुए। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में किए गए अनुष्ठान जप और यज्ञ का विशेष फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यज्ञ पूजन अनुष्ठान करते हैं। महाकाल मंदिर के यज्ञशाला में एक विशेष यज्ञ किया गया। यह यज्ञ देश में अमन शांति और सौहार्द का वातावरण निर्मित हो इसलिए किया गया। दिल्ली के श्रद्धालु नीलम शर्मा ने 108 महाशिव पुराण के पाठ किए और समापन अवसर पर यज्ञ किया। यज्ञ के माध्यम से बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई कि देश में हो रहे दंगे फसाद बंद हो और सौहार्द का वातावरण बने, अमन चैन हो। श्रद्धालुओं ने महाकाल मंदिर के पंडित की अगुवाई में यह यज्ञ किया है। मैंने 108 महाशिव पुराण किए और ये मैं 2008 से शुरू किया हुआ है। मेरा मेन मकसद विश्व का कल्याण, बाबा से यही मांगी अमन शांति रहे देश में, सब जगह शांति रहे, भाईचारा बना रहे और सब भगवान महाकालेश्वर मृत्युंजय अधिपति है। भगवान महाकालेश्वर के सन्निधि हम आज सोमवार सोम प्रदोष का दिन है। सोम प्रदोष का दिन बहुत पवित्र दिन माना जाता है। इसी में भगवान महाकालेश्वर के आज के दिन महाशिवरात्रि, वो 108 महाशिवरात्रि की समाप्ति हो रही है। महाशिवरात्रि का पाठ हुआ है, 108 उसकी समापन आज रखा हुआ है। इसीलिए रखा है कि देश में अमन शांति हो, विघ्न नहीं आए और पब्लिक दर्शनार्थी नागरिक अपने हिसाब से भगवान महाकालेश्वर के यहाँ दर्शन करें, अपने परिवार में सुख शांति मिले, पूरे विश्व में शांति हो, देश में शांति हो, ये जो दंगा भड़क रहा है इसमें शांति हो, लोगों को शांति मिले, विश्व का कल्याण करे, ऐसा ही विघ्न हवन भगवान महाकालेश्वर की हम कर रहे हैं, ताकि भगवान महाकालेश्वर का सबको आशीर्वाद दे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।